नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा के तत्वाधान में राष्ट्रीय महामंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं जिला अध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कुशवाहा महासभा के जाति बंधुओं ने सिरपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह पाठक, जिला सतना के द्वारा राजपति कुशवाहा को गोली मारकर हत्या करने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की मांग के साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और 1 करोड़ की मुआवजा राशि की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं की जाती हैं तो कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश के उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों के अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा, महामंत्री गोपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष मनीराम कुशवाहा, ग्यारसपुर सरपंच प्रतिनिधि लीलाधर कुशवाहा के साथ सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के जाति बंधुओं ने ज्ञापन सौंपा। विदिशा से प्रेम नारायण सूर्यवंशी के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। चौहान महोदय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजेश महोदय विकास खंड ग्यारसपुर, उपरिषद ज्ञापन सिंहपुर थाना विक्रम सिंह पाठक द्वारा राजपति कुशवाहा को गोली मारकर हत्या करने वाले के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज करना एवं पीड़ित परिवार को सदस्य को शासकीय नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिलाने हेतु माननीय महोदय से निवेदन है। उपरोक्त विषय में लेख है कि थाना सिंहपुर जिला सतना में थाना प्रभारी आज जैसे ज्ञापन दिया है कुशवाहा समाज जिला कुशवाहा समाज की ओर से, सतना जिले के जो गांव में जो हमारे परमजीत कुशवाहा के साथ जो घटना TI महोदय ने कही है, ये बड़ा निंदनीय काम है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब पुलिस के जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये करेंगे, जब खेत बागड़ कोई खाएगी तो बताओ खेत की रखवाली कौन करेगा। पुलिस हमेशा जनता की मदद के लिए होती है, किसानों मजदूरों के लिए, किसी गोली मारने के लिए नहीं है। तो ऐसे बल्कि आदमी के लिए भी जाँच पूछ के भर्ती करना चाहिए और मेरे ख्याल से उन पर 302 लगा के उन पर और हमेशा फांसी की उनके लिए बरकरार सजा दें और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए 1 करोड़ मुआवजा देने का काम करें मुख्यमंत्री जी, और एक शासकीय नौकरी में उनके किसी बालक को या किसी की भर्ती करी जाए। जय हिंद, जय भारत। और अगर ये मांग पूरी तरह से कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन तो चला ही रही है, अगर ये 1 हफ्ते के अंदर में अगर उनके लिए मुआवजा राशि नहीं दी गई और उनको 302 नहीं करा तो पूरे मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज जन आंदोलन करेगी और मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करेगी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए जो अन्यथा ऐसे गरीब और किसान मजदूरों के साथ ऐसी घटना ना करें। जय हिंद, जय भारत।